نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي जमीन जो हमारा होमलैंड है, इस जमीन पर जब से जिंदगी का आगाज हुआ उस वक्त से लोगों ने अपने जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग गुजर चुके जिन्होंने जिंदगी गुजारी है। कौन अपनी जिंदगी से कितना नफा उठा चुका, तारीख इसकी शहादत देती है। वक्त एक जैसा ही मिलता है, इतने ही वक्त में सुनने वाले, फायदा उठाने वाले कितना मुख्तलिफ फायदा उठाते हैं। जिंदगी का ये वक्त हर एक के लिए महदूद है। किसी को बहुत तवील जिंदगी में मिल जाए तब भी जिंदगी मुख्तसर है। कामयाब वो है जो इस मुख्तसर से जिंदगी से फायदा उठा ले। अगर तारीख इंसानी में हम देखना चाहें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी से भरपूर फायदा उठाया, इस बारे में नुक्ता नजर फर्क हो सकता है। लेकिन मैं ये समझती हूं कि अगर आप इस एतबार से देखें कि किसी की जिंदगी का नफा कहां तक जारी रहा, तो फैसला करना आसान हो जाएगा। जैसे आप देखें, एक उस शख्स की भी जिंदगी थी जिसने बिजली ईजाद की, उसका नफा आज पूरी इंसानियत उठा रही है। लेकिन बिजली कब तक फायदा देगी? जब तक दुनिया कायम है, और इस जहान के खत्म होने के बाद बिजली का फायदा भी खत्म हो जाएगा। या हो सकता है बिजली इससे भी ज्यादा कोई मौसर चीज आ जाए जिसके बाद बिजली की जरूरत ही खत्म हो जाए और फिर उसका नफा भी खत्म हो जाए। ये अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानते हैं। एक चीज जो हमें पता चलती है वो ये कि जिस चीज का नफा कसीर होता है वही चीज हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और जिसने अपनी जिंदगी से कसीर नफा उठाया उसकी जिंदगी कोई अगर हम अपने सामने रखें तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो तारीख इंसानी में अंबिया ही वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से भरपूर फायदा उठाया, जिनकी जिंदगी का नफा सिर्फ उनकी जिंदगी तक या चंद सदियों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उनके जाने के बाद ये सिलसिला आज तक जारी और सारी। और सारे अंबिया में से जिसकी जिंदगी का नफा कयामत तक और कयामत के बाद आने वाली जिंदगी में भी जारी रहेगा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आज अगर हम बात करना चाहें, देखना चाहें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को, तो क्यों ना उसके लाइफस्टाइल को देखें जिसके बारे में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकामे महमूद पर फाइज कर देगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हशर के मैदान के हवाले से कि फिर मेरा रब मुझे सब्ज रंग का हुल्ला यानी सब्ज रंग का लिबास पहनाएगा, मुझे मकामे महमूद पर खड़ा किया जाएगा और सब इंसानों की जुबानों पर मेरी तारीफ जारी हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैह। सारे ही अंबिया अपने जिंदगी से भरपूर नफा उठाते रहे,
एक चीज जो अंबिया के हवाले से बड़ी कॉमन है वो जरूर आपके सामने रखना चाहती हूँ। कोई नबी अगर इब्तिदाई इंसानियत में आया और कोई सबसे बाद में आया, कोई बीच की सदियों में दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में आया, कितनी अजीब बात है कि नबियों के कामों में एक काम कॉमन था ऑलमोस्ट सबके दरमियान। क्या आप लोगों में से कोई बताएगा वो कौन सा काम था जो सारे अंबिया अपनी जिंदगी में करते रहे? जी अल्लाह ताला की तरफ बुलाना, ठीक है, कोई और? तौहीद का पैगाम पहुंचाना, जी तज़किया नफ्स, कोई और? इंसानों का ताल्लुक अपने रब से जोड़ना, जी लोगों की आखरत को संवारना, जी अल्लाह ताला की मार्फत, जी दावत अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, सारी बातें ट्रू हैं। लेकिन नबी बनने से पहले, अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचाने से पहले अंबिया क्या करते रहे? एक खास काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करवाया, जी तमाम अंबिया ने बकरियां चराई। क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है? जानते हैं क्यों? लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए। ये ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी है जिसके लिए बड़ी तरबियत की ज़रूरत है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल जो रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को हकीकी ज़िंदगी गुजारने के लिए दिया वो एनिमल लाइफस्टाइल नहीं है। वो ऐसा लाइफस्टाइल भी नहीं है जो फलसफियों का लाइफस्टाइल था। वो राहबों जैसा लाइफस्टाइल भी नहीं है, सूफियों जैसा लाइफस्टाइल भी नहीं है। वो जिंदगी की कश्मकश में भरपूर हिस्सा लेने वाला लाइफस्टाइल है जहां रूहानी तकाजों का भी भरपूर अंदाज में ख्याल है, जहां अकली तकाजों का भी भरपूर अंदाज में ख्याल है और जिस्मानी सेहत का भी, माइंड बॉडी एंड सोल। इंसान सिर्फ मादी वजूद नहीं रखता, सिर्फ रूहानी वजूद नहीं रखता, वो अकली वजूद भी रखता है। तो सारे अंबिया को रब्बुल इज्जत ने बकरियां चराई, यानी गल्ला बानी सिखाई। बकरियों का चरवाहा दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल कैसे होता है? आप भी एक अच्छा लाइफस्टाइल सीखना चाहते हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि जो सिटी लाइफ गुजारता है वो गल्लाबाजी कैसे सीखेगा? गल्लाबाजी के तो बहुत असरात मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पहले ये देख लें कि उसकी वजह से इंसान की शख्सियत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, उसकी तरबियत कैसे होती है, तो यकीनन आपका भी जी चाहेगा कि बकरियां चराने का मौका ज़रूर मिले। और हम इसके बारे में भी ज़रूर देखेंगे कि ये मौका आज के दौर में किसी को कैसे हासिल हो सकता है। बकरियां चराने के हवाले से मुझे काफ़ी इससे पहले एक किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, अच्छा चरवाहा। ये किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में थी। छोटी सी किताब जो टीचर्स को पढ़ाई जाती है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स की अच्छी तरबियत कर सकें, अच्छा चरवाहा। इसी तरह से एक और किताब मैंने पढ़ी जिसके तवसत से टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती क्रिश्चियन मिशनरीज की, आओ मसीह में जिए। रिफ्रेशर कोर्सेज जब करवाए जाते हैं या इसी तरह से बार बार एक अच्छे तर्ज ज़िंदगी के लिए तरबियत की जाती है तब ये किताब पढ़ाई जाती है। तो बहरहाल बात यह है कि गल्लाबानी के असरात इतने गहरे हैं कि आज उस पर रिसर्चेज हो रही हैं, स्टडीज़ हो रही हैं। और आप ये देखें ज्यूस में और क्रिश्चियंस में गल्लाबानी के असरात को महसूस करते हुए जब टीचर्स ट्रेनिंग करवाई जाती है, जब मैनेजमेंट सिखाई जाती है, तो उस वक्त उन लोगों की
जिंदगी को पढ़ाया जाता है और उनकी जिंदगी में आने वाले जो असरात हैं उनको पढ़ाया जाता है ताकि लोग भी अपने जिंदगियों के बारे में उम्दा चीजें सीखने के काबिल हो जाएं। तो पहला असर जो शख्सियत में आता है, आप क्या समझते हैं जब कोई बकरियों का चरवाहा बकरियां चराता है, आप लोग भी चले आगे पीछे नहीं तो ईद के दिनों में जरूर देखते होंगे, बकरियों का चरवाहा क्या करता है बकरियों के साथ? जी उनका ख्याल रखता है कि वो कहीं इधर उधर ना चली जाए और किसी के खेत में किसी की यानी ऐसी जगह पर जहां पर वो नुकसान पहुंचा सके या उन्हें नुकसान पहुंच जाए। दोनों एतबार से वो इतना कॉन्शियस होता है। एक लाठी जो उसके हाथ में होती है, हजरत मूसा अलैहि सलाम का आसा तो आपको याद ही होगा, और हजरत मूसा अलैहि सलाम का जवाब भी जब अल्लाह पाक ने उनसे पूछा था कि तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है, वमा तिल्क बियमीनिक या मूसा, ऐ मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है। तो एक चरवाहे की लाठी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है क्योंकि वो उससे बकरियों को चराता है, बकरियों को लाइन अप रखता है ना, और बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता है और जब थक जाए तो उस पर टेक भी लगा लेता है। यही जवाब दिए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल में देखें तो आप इमेजिन करके देखिए कि एक लाठी की वजह से कितनी प्यारी मैनेजमेंट है। बकरियां आवाज को समझती नहीं, बकरियां जो है वो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं रख पाती, और बकरियों को सिधाना बहुत मुश्किल काम है, इंसान को सिधाना बहुत आसान है। लेकिन इंसानों की मैनेजमेंट से पहले बकरियों की मैनेजमेंट वाकई बहुत ज्यादा असरात मरतब करने वाली है क्योंकि इसकी वजह से एक चरवाहे को सब्र करना पड़ता है। बकरियों पर सब्र बेहद मुश्किल है क्योंकि कोई लम्हा नहीं होता जहां कोई ना कोई बकरी गलती ना कर रही हो। इधर से हटाओ तो कोई उधर को निकल गई, उधर से हटाओ तो उधर को निकल गई। हर वक्त की एक तकलीफ है। लेकिन चरवाहा अपनी बकरियों से मोहब्बत करना नहीं छोड़ता और अपनी बकरियों को भूलता भी नहीं और कभी अपनी कोई बकरी किसी और को देना भी नहीं चाहता। उसका अपना रेवड़ है, अपने रेवड़ की वो हिफाजत करता है। और सब्र कितनी बड़ी खसूसियत है। लुक्मान हकीम ने भी अपने बच्चे की तरबियत करते हुए उसको हुक्म दिया था कि जो मुसीबत आप पर पड़े उस पर सब्र करो, वस्बिर अला मा असाबक। मुसीबत में सब्र कौन कर सकता है? हमारे यहाँ जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल में अगर आप देखें तो सब्र नहीं मिलेगा क्योंकि इस लाइफस्टाइल में माँ बच्चे की खादिमा है। जिस लाइफस्टाइल में एक बच्चे को 10 खाने पेश किए जाएं, उसकी पसंद का लिबास, पसंद की किताबें, पसंद की चीजें, पसंद का एनवायरनमेंट, माहौल, हर एक चीज, टॉयज वगैरह, वहां बच्चा सब्र सीखेगा या बेसब्री फिर सीखेगा? और किसी चीज पर कनात नहीं होगी। वो कहते हैं ना, कर कर के मिन्नतें तेरी आदत बिगाड़ दी, दानिस्ता हमने तुझको सितमगर बना दिया। चरवाहा अपनी बकरियों को जब चराने के लिए ले जाता है तो नित नए खाने नहीं खिलाता, उसने बकरियों को पत्ते ही खिलाने हैं। पत्ते झाड़ेगा, खिला देगा, रास्ते से वो कहीं पानी पी लेंगी। लेकिन खुद उसकी अपनी कैफियत देखिए, उसकी नींद, उसका आराम, उसका लिबास, और अरब के माहौल में देखिए कितनी शिद्दत की गर्मी। बकरियां एयर कंडीशन हॉल्स में नहीं होती हैं। बकरियां चराने के लिए जब चरवाहे जाते हैं तो शिद्दत की गर्मी बर्दाश्त करते हैं। तो ये जो मिजाज में सब्र आता है ना, ये कोई आसानी से नहीं आ जाता। सब्र पढ़ने वाली चीज नहीं है। अगर सब्र के बारे में हम पढ़ते हैं तो इस वजह से कि रहबत मिले, समझ आए सब्र किसे कहते हैं। लेकिन असलन सब्र सीखने की बात है, सीखने की चीज है। और किसी सिचुएशन में डाले बगैर किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता उसने सब्र सीखा है, ये जिंदगी में बेसब्री सीखी। सिचुएशन से पता चलता है।
اور اللہ پاک جب کسی کو سچویشن میں ڈالتے ہیں، کسی کی موت کے وقت، کسی نقصان میں، کسی بیماری میں، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ صبر کی بجائے گھبراہٹ ہے، اللہ کی تقدیر پر یقین نہیں. بے صبری انسان کو کتنا ہلکا کر دیتی. تو اللہ پاک نے انبیاء کو بکریوں کے ذریعے سے صبر سکھایا. سوچتے رہیے گا، کیونکہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اینڈ پہ، آج کی دنیا کے لوگ صبر کیسے سیکھیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو پیور لائف سٹائل اپنانا چاہتے ہیں، پاک زندگی کا خواب دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کی تنظیم کرنا چاہتے ہیں، اپنے وقت کی تنظیم بھی اسی اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیسری وحی نازل ہوئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق چوتھی، اس میں آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ صبر کیجیے. صبر دراصل ہے کیا؟ کنٹرول ہے، اپنے اوپر کنٹرول سیکھنا. کنٹرول کس وقت انسان کرتا ہے؟ جب کوئی چیز کھانے کو جی چاہے، کنٹرول ڈیلیوری یا کنٹرول ہوٹلنگ یا کنٹرول ذائقے یا کنٹرول ذائقوں کی دنیا میں آپ کنٹرول کی بات کریں تو عجیب سا لگتا ہے. پھر اگر آپ دیکھیے تو کہاں پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے؟ خوبصورتیوں کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے، اور زندگی کی خوبصورتیاں لباس میں، ماحول میں، اور زندگی کی خوبصورتیاں گھروں میں، گھروں کے باہر، ہر خوبصورت چیز کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، مال لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر ٹائی پڑ جاتی ہے نا، وقت کہاں لگائیں. جب کوئی پرائیورٹائز کرتا ہے کہ میرا وقت ہے لمیٹڈ زندگی کا، میرا بہت زیادہ وقت اگر ان چیزوں کے پیچھے لگ گیا ہوں تو میرے دوسرے کام کیسے ہوں گے، تو کتنی چیزوں پہ صبر کرنا پڑتا. آپ چرواہے کو دیکھیں، کیا اس کا دل نہیں چاہتا اچھے کپڑے پہننے کو، اچھا کھانا کھانے کو، اچھی جگہ اچھے بستر پہ سونے کو، اچھے گھر میں رہنے کو. پھر چرواہا کیا کرتا ہے؟ اسے بکریوں کے ساتھ ہی جگہ ملتی ہے، دوپہر کو وہیں سو جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کے کپڑوں کو بکریوں کے مینگڑیاں بھی لگ جاتی ہیں. چرواہا کیسے توازو اختیار کرتا ہے؟ چرواہے کے اندر تکبر نہیں ہوتا. اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کا جی چاہتا ہے کہ اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق بات کو قبول نہ کرنا ہے، اس کو حقیر سمجھنا ہے. لیکن اگر چرواہے کی زندگی کو دیکھیں تو چرواہے کو اپنے کام کے لیے، اپنے مشن کے لیے کس طرح سے اپنے لائف سٹائل کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ یہ میرا دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار میں میرے لیے یہ چیزیں ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس دائرہ کار میں اسے اپنا وقت کہاں لگانا ہے؟ بکریوں کے ارد گرد. جہاں بکریاں جائیں وہاں وہ جائے، جہاں بکریاں کھائیں پئیں وہیں وہ کھائے پیے، جہاں بکریاں آرام کریں وہیں وہ آرام کر لیں. یہ مشنری انسان کی زندگی، مشنری انسان کو توازن اختیار کرنی پڑتی، کتنی تلخ باتیں بھی برداشت کرنی پڑتی، کتنی انگلیاں ہیں جو اس پر رکتی ہیں، کتنی زبانیں ہیں جو کھلتی ہیں. اور آج کے اس دور میں جہاں پر حجاب ہو یا داڑھی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر تحریک پیدا ہو جاتی ہے،
किसी भी दाई को देखकर, किसी के सिर्फ इस अमल को देख के कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने आप को ढांप के रखना चाहता है, तो लोगों के अंदर ऐसी तहरीक पैदा होती है जैसे पॉपकॉर्न्स के अंदर होती है कि पॉपकॉर्न्स अपनी जगह पे ठहरते नहीं ना जब उन्हें खास हीट देते हैं, ऐसे ही लोगों के अंदर भी हीट पैदा हो जाती है। वो हीट थी तो एक्सटर्नल, लेकिन अब वो अंदर जगह बना चुकी है। जानते हैं ये नफरत की आग है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाइफस्टाइल से नफरत। दाई को देखकर हर एक बेलगाम बोलना चाहता है, ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाती है कि दुनिया की तमाम तर खराबियां हिजाब की वजह से हैं और दुनिया की सारी खराबियां शायद दाढ़ी की वजह से हैं और दुनिया में जितनी कत्लो गारत गरी है वो शायद इसी वजह से। ऐसे माहौल में अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचाना तकाजा करता है उस तवाज़ु की जिसे चरवाहा सीखता है, जिसे घरों के आरामदेह माहौल में, लाड प्यार के माहौल में, जिसे मालदारों के घरों में तलाश नहीं किया जा सकता। ये ऐसी खसूसियत नहीं है जो माल की वजह से पैदा हो जाए, बहुत मुश्किल एक्सेप्शनल केस अंबिया थे जिनके अंदर तवाज़ु थी, क्योंकि माल का अपना एक मिजाज है, माल की वजह से ऐश परस्ती आती है। और जानते हैं कि खास बात यह है कि लोग दूसरों को अपने मुकाबले में हकीर समझते हैं और ये समझते हैं कि शायद हम जिस तरह का तर्ज जिंदगी इख्तियार किए हुए हैं दूसरों को उसकी समझ ही नहीं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिदे कर दाने ओदे कमले भी सियाने, यानी पैसे की वजह से लोग ये समझते हैं कि हम ज्यादा अकलमंद हैं, हमारा लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छा है, हमारा पहनना ओढ़ना बिछोना खाना पीना ताल्लुकात हमारे मामलात हमारे घरों के अंदर की जिंदगी घर के बाहर की जिंदगी हमारे रिश्ते दुनिया में हमारी कदरों मंजिलत उसके बारे में धोखा हो जाता है कि शायद अल्लाह के नजदीक भी सबसे ज्यादा पसंदीदा यही। इस धोखे को तोड़ने के लिए दाई जब रब की तरफ बुलाता है तो उसका खारदार मिजाज सामने आता है। और आप जानते हैं कि कांटों के करीब से जब कोई नरमो नाजुक कपड़ा या कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कांटों को एक्सेप्ट करने की गुंजाइश मौजूद हो कांटों में उलझ जाता है। अब दाई तो चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात को कबूल करने वाला होता है उसके अंदर बड़ी गुंजाइश होती है कांटों को बर्दाश्त करने की, फिर उलझाव हो जाता है। ऐसे में तवाज़ु इख्तियार करना, हक पे जमे रहना यूं ही मुमकिन नहीं है। फिर अभी देखिए कि बकरियों का चरवाहा बकरियों की हिफाजत करते हुए बहादुर भी हो जाता है, क्योंकि उसे अपने बकरी किसी भेड़िए से किसी जंगली जानवर से बचानी पड़ती है, हिफाजत तो उसे करनी होती क्योंकि वो बकरियां उसकी कस्टडी में चार दीवारी के अंदर थोड़ी होती है। जब भी वो उन्हें चराने के लिए निकलेगा तो इर्द गिर्द के माहौल में उसे दूसरों से उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। तो ये शुजात और बहादुरी ये गल्लावानी का वाज़े नतीजा है। फिर आप देखें कि बकरियों के चरवाहे का एक और मिजाज भी होता है, रहमत और शफकत उसमें पैदा होती है। किसी बकरी को चोट लगे, किसी बकरी की जान कनी का वक्त आ जाए, कोई बकरी बीमार हो जाए तो चरवाहा उसे यूं ही नहीं छोड़ता, इग्नोर कर दे। चरवाहा के पास मोबाइल भी नहीं होता कि वो ग्रुप पे लगा दे लाबा सतहूर उन इंशाल्लाह। चरवाहा क्या करता है? चरवाहा
बकरी की तकलीफ को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। वो खुद जितना जानता है उतने टोटके कर लेता है, और अगर बकरी ठीक ना हो सके तो फिर इलाज भी करवाता है, और अगर जानकनी का आलम हो तो फिर बकरी को ज़िबा भी कर देता है और अपने ज़बीहे को आराम भी पहुंचाता है। और अगर चरवाहा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा हो, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जैसा हो चरवाहा, तो कैसा अमीन होता है जब उनके पास दो लोग पहुंचे कि हमें अपनी बकरियों का दूध दे दो। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ही थे, फटी फटी आंखों से देखते रहे कि ये बकरियां मेरी नहीं है और मैं मालिक की मर्जी के बगैर नहीं दे सकता। फिर उन दो में से एक ने कहा कि अच्छा अपनी वो बकरी ले आओ जिसने अभी कोई बच्चा नहीं दिया। वो चरवाहा गया, बकरी को लेकर आया, तो उन साहब ने बकरी के थनों को हाथ लगाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और दूध दोहा, तो बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। चरवाहे की आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ, वो चरवाहा था जो हदीस के सबसे बड़े 8 रावियों में से एक है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, जिसने देखा कि इतना दूध है, दूध चरवाहे ने पिया, उन दो लोगों ने पिया और चरवाहे के बर्तन में छोड़ा, फिर बकरी के थनों पे हाथ फेरा और बकरी के थन वैसे ही हो गए। वो दोनों लोग जब चले गए तो ये चरवाहा अपनी जगह ठहर नहीं सका, क्योंकि चरवाहा फितरत के बहुत करीब होता है, गौर व फिक्र करता है, चरवाहे के अंदर निफाक नहीं होता। अगर वो सच्चा चरवाहा हो, निफाक नहीं होता। फिर वो चला आया, फिर उसे पता चला वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, फिर वो ईमान ले आया, फिर उसे बकरियां चराने के बाद जब सच्चाई का पैगाम मिला तो उसे इल्म की कदर आई। जानते हैं कि रसूलुल्लाह की बातों को वो ऐसे याद रखते थे, दूसरों तक पहुंचाते थे कि याद रखने वालों में वो सबसे आगे निकल गए, यानी उन 8 लोगों में शामिल हो गए। इल्म की कदरों की मंजिलत की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जब पुकारते थे, भाई कहाँ गए वो वसादे वाले, जूतों वाले, यानी तकिए वाले। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते उठाए हुए, आपकी ज़रूरियात की चीज़ें उठाए उठाए आपके पीछे होते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में पूछते थे कि वो कहाँ हैं। तो अब सोचें कि कोई चरवाहा हो और फिर जब इल्म सीखने के लिए आए तो इल्म देने वाले को वो हमेशा ही याद रहे, तो क्यों ना उस पर रहमत और बरकत नाजिल हो, क्योंकि सिखाने वाला फिर कितनी मोहब्बत से सिखाता होगा। तुम बात कर रहे थे रहमत और शफकत की, कि चरवाहा रहीम होता है, शफीक होता है अपनी बकरियों के लिए, उन्हें छोड़ता नहीं, उनकी डेथ भी होने लगे तब भी नहीं छोड़ता। तो हमने चरवाहे की जिंदगी में खास बातें देखी, चरवाहे का सब्र, उसकी तवाज़ो, शुजात और बहादुरी, रहमत और शफ़क़त। पांचवी अहम बात यह है कि चरवाहा मेहनत की कमाई खाता है, दूसरों के माल पर नजर नहीं रखता, मुशक्कत वाली जिंदगी गुजारता है, अपने हाथ की कमाई खाता है। ये 5 इतनी बड़ी खूबियां हैं, इन खूबियों के बगैर कोई रियल लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट नहीं सीख सकता। अब क्या करें, यानी हम आगे बात ही नहीं कर सकते। अगर आप वो जिंदगी सीखना चाहते हो जो अल्लाह पाक ने अपने नबियों को बसर कराई, तो उसके लिए ये मैनेजमेंट तो सीखनी होगी।
अब मुझे ये बताइए कि आज किस दुनिया में आप बकरियां कैसे चराएंगे? लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जिंदगी की तंजीम यूं ही तो नहीं हो जाती, और इंसान के अखलाक और किरदार में तब्दीली लफ्जों से नहीं आ जाती कि आप लफ्ज नोटबुक पर लिख लें, नोटबुक से लिखा हुआ याद कर लें, टेस्ट दे दें, मार्क्स आ जाए और आपके किरदार पे कुछ भी ना लिखा जाए। ये लाइफस्टाइल नहीं बनता। हाँ, आपको एक कागज का टुकड़ा मिल जाता है जिसपे लिखा होता है कि आपने फलां 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 मजामीन पढ़े हैं, फलां कोर्स किया, उसमें इतना ग्रेड है आपको, दैट्स इट। जी कोई और बताएगा मुझे? जी जी बेटा, ये बात तो सच है कि दाई इलल्ला जो है वो चरवाहा ही हो सकता है। अब सच्ची दावत और दावत के असरात को समेटना ये जान जोखों का काम है, ये काम आदमी का काम नहीं है। इसके लिए बाकायदा माहौल में सीखने की जरूरत है। जी बेटा, लोगों से मोहब्बत करके, ठीक है जी। बहुत एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आया कि छोटे बच्चों को टीच करके, ठीक है। सेटिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन में भी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, उनको सारों को एक डायरेक्शन देना, उनकी ट्रेनिंग करना। जी, तंजीम के अंदर रह के जब काम किया जाता है और जो जिम्मेदारी लगाई जाती है, उस वक्त भी इंसान की बहुत ट्रेनिंग हो रही होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी कोई और? जी कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूल अन रईयतिही, तुम में से हर एक राई है, चरवाहा है, और उससे उसकी रईयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो एक औरत अपने घर की राई है, राइया है ना, और वो उसके बारे में जवाबदेह भी है, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक औरत भी घर की अच्छी राइया तब हो सकती है जब वो उसको पहले सीख ले, सीखे बगैर नहीं, वरना वो जो काम कर रही होती है वो काम तो हो रहे होते हैं लेकिन दुरुस्त अंदाज में नहीं। जी, मॉन्टेसरीज में काम करके, ठीक है। और कोई? जी जी, कच्ची बस्तियों में और झुग्गियों में काम करके, गुड। जी, बेटा बात यह है कि आप जितना भी पढ़ते जाएं, जब तक आप सिचुएशन में नहीं होंगे लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग बाय डूइंग ही है, कुछ कर कर ही सीखा जा सकता है। जी सही, हॉस्पिटल्स में, ठीक है। कोई और बताए मुझे? अच्छा ठीक है। देखिए बेटा, ये तो है लाइफ लॉन्ग का, इंसान इस तरह की सिचुएशन में भी सीखता है, इस तरह भी। मैंने आपसे ये जो सवाल किया है ना, प्लीज उसके बारे में जरूर सोचिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सारे अंबिया ने अपने रब से तरबियत पाई और रब्बुल इज्जत ने उन्हें बकरियां चराने की मुहिम पर लगा दिया। अब कोई बकरियां नहीं चराएगा, फिर किस तरह से उसकी तरबियत होगी? उसके लिए कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकती है? ये पूछना चाहती हूँ। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته